अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आए थे विलेज वाली साइड पे और मैं एक दोस्त के पास आया था और उसे वो है थोड़ा सा मुलाजिम है, कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, तो मैं आज आपको विज़िट करवाऊंगा गांव वाली साइड, ये देखें। और आपको बाग में कुछ माल्टे लगे हुए हैं वो भी दिखाते हैं। और हम जाएंगे अंदर वाले साइड पे। आज बारिश, थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और मौसम बड़ा प्यारा है, और अभी भी मौसम देखें बहुत ही खूबसूरत है। ख़ास तौर पे जब इंसान विलेज वाली साइड पे आता है तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। आप ये हैं फ्रेंड्स माल्टों का बाग, और हम आए हैं अपने दोस्त के पास, और देखें बहुत ही ज़बरदस्त। पानी लगा हुआ है फ्रेंड्स, हम ज़्यादा नहीं घूमने की कोशिश करेंगे क्योंकि बारिश आई है, बारिश में मौसम ज़्यादा ख़राब है। ये फ्रेंड्स बहुत बड़ा बाग है, हम आगे नहीं जा सकते, जगह गीली है, गीली होने की वजह से आप देख सकते हैं। ये देखें अल्लाह की नेमतें चेक करें जनाब, क्या नेमतें हैं माशाल्लाह। फ्रेंड्स हम बाग से निकले और इस साइड पे ये देखें खजूरों का मौसम तो है, मगर ये देखें ये बारिश की वजह से ख़राब हो गई हैं सब, मगर आपको दिखाते और खा कर भी दिखाते। और ये देखें खाली हो गई हैं सब। और फ्रेंड्स नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, हर तरफ, और मौसम आप एंजॉय कर सकते हैं, एक हरियाली तो है ही है मगर मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। ये फ्रेंड्स विलेज की दोनों साइड पे नहर जाती है, और ये है जी नहर का मंजर, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हम नईम भाई के पास आए हैं, ये हवेली है जहाँ जानवर वगैरह रखे हैं, और वो बता रहे थे कि हमने परिंदे वगैरह भी रखे हैं, और हम चेक करते हैं, परिंदे भी चेक करेंगे और जो जानवर वगैरह रखे हुए हैं वो भी चेक करते हैं। ये देखें जी, ये उन्होंने हर किस्म का, ये मुर्गी हैं जिसे ये देख रहे होंगे बतख, और ये अस्टर लोग, कोई मुर्गियों की, कोई पता नहीं कौन सी मुर्गियाँ होती हैं यार, मुझे तो अब उनसे पूछेंगे, हम पूछने की कोशिश करेंगे। ये देखें जी, ये कोई अस्टर लूप होती हैं कौन सी, और टर्की वगैरह, ये मोर वगैरह हैं इसमें, ये यहाँ पर भी मुर्गे, ये रखे हुए हैं जी इन्होंने सील मुर्गे। अस्सलाम वालेकुम, क्या अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या सलाम हाल? जी, वालेकुम वालेकुम जी, क्या सलाम, हाल है? कैसे नीम भाई, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सुनाए, अल्लाह का मैंने शुक्र। सोचा कि आज फ्रेंड्स को दिखाया जाए कि आपका फार्म वगैरह दिखाया जाए, जी भाई, और आपने जो मुलाजिम रखा है उससे पूछते हैं ये कितनी गायें कितना दूध देती हैं, और जैसा भी है ये भाई आप बताएंगे, आपके मुलाजिम ये बताएंगे, मुश्ताक भाई बताएंगे, मुश्ताक भाई बताएंगे। मुश्ताक भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी मुश्ताक भाई, ये बताएं ये कौन सी गायें हैं और कितना दूध देती है, और जो भी है ये ऑस्ट्रेलिया की गाय है अच्छा ऑस्ट्रेलिया की गायें हैं, जी, कितना दूध देती है? ये दोनों टाइम का है 18-19 किलो। अच्छा जी फ्रेंड, ये ऑस्ट्रेलिया की गायें हैं और ये दोनों टाइम का 18 किलो तकरीबन दूध देती है, और उससे उसके बाद हम इस गाय का पूछते हैं जी मुश्ताक भाई, ये कितना दूध देती है? इसका भी है 20-22 किलो, दोनों टाइम का 22 किलो है, जा भाई। ये भी ऑस्ट्रेलिया है।
ये जी फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया गायें हैं और ये मुश्ताक भाई कह रहे हैं कि ये तकरीबन एक टाइम का 20 किलो दूध देती है या दो टाइम का देती दोनों है टाइम का। अच्छा दो टाइम का ये भी ठीक, ये फ्रेंड्स दोनों टाइम का 22 किलो दूध देती है, मीन्स के सुबह 11 किलो और शाम को भी 11 किलो। और ये डोगी आप देख सकते हैं साथ साथ, फ्रेंड आपको दिखाएं, ये जर्मन शाफ्ट है जी, ये देखें ये अपने स्टाइल से बैठा हुआ है। फ्रेंड ये भी दिखा दें आपको, तो ये देखें। और ये कौन सी फ्रेंड, ये कौन सी गाय है? ये भी ऑस्ट्रेलिया की गाय है। ये भी ऑस्ट्रेलिया की गाय है। ये कितना दूध देती है? इसका है 12.5 किलो शाम को, 12.5 किलो सुबह। अच्छा 12.5 किलो शाम को, सब ऑस्ट्रेलिया की रखी हुई है? हाँ, क्या है? इतनी ज्यादा लगन है ऑस्ट्रेलिया से? ठीक हाँ है जी, आए आगे देखते हैं। ठीक है जी, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इनके बच्चे रखे हुए हैं इन्होंने, और क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तकरीबन 10 दिन से रेगुलर बारिश आ रही है, इसलिए यहाँ इसका माहौल इस तरह से बना हुआ है। और फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, बाद में नेक्स्ट जो भी होगा इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जी फ्रेंड्स ये हैं खजूरों के, ये खजूरें लगी हुई हैं, आपको दिखाते हैं खजूरों के दरख्त। फ्रेंड ये बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये देखें फ्रेंड्स, आज हमने विलेज की सैर की और बहुत ही मज़ा आया। मैं एक दोस्त के पास आया हुआ था और मैंने आपको भी दिखाया जितना हो सका, क्योंकि बारिश आई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ था, जिसकी वजह से मैं ज़मीनों में ज़्यादा नहीं जा सका। और आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।